बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ मशीन लर्निंग। हम डिस्कस कर रहे हैं बैग ऑफ वर्ड्स मॉडल, और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि काउंट वेक्टराइजर की मदद से बैग ऑफ वर्ड्स मॉडल को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। एक क्विक रिव्यू ओवरऑल मशीन लर्निंग की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर कि हम सबसे पहले टेक्स्ट को क्लीन करते हैं, उसके बाद हम बैग ऑफ वर्ड मॉडल या जो भी मॉडल हमने इस्टेब्लिश करना हो उसकी तरफ जाते हैं, और आखिर में हम मशीन लर्निंग मॉडल्स जो डिफरेंट मॉडल्स हैं उनको अप्लाई करके और रिजल्ट्स गेट करने की कोशिश करते हैं। हम बात कर रहे हैं बैग ऑफ वर्ड्स मॉडल की इम्प्लीमेंटेशन में। हमने सीखा कि बैग ऑफ वर्ड्स मॉडल जो है वो दो स्टेप्स पे कंप्राइज करता है। पहले नंबर पे वोकैबुलरी ऑफ नोन वर्ड्स हमने फिगर आउट करनी होती है, और दूसरे नंबर पे अ मेजर ऑफ प्रेजेंस ऑफ दीज नोन वर्ड्स इन डिफरेंट सेंटेंसेज या डॉक्यूमेंट्स, ये फिगर आउट करना होता है। इसकी मिसाल हमने इस एग्जाम्पल से ली। ये एक एक्सर्प्ट है जो टेल ऑफ टू सिटीज बाय चार्ल्स डिकेंस, इससे ली गई है। इसमें ये हमारे पास एक टेक्स्ट का एक्सर्प्ट नज़र आ रहा है। इसमें टोटल जो वर्ड्स हैं वो 24 हैं। जब हमने इसको डिस्टिंक्ट वर्ड्स के ऊपर मैप किया तो ये 10 डिस्टिंक्ट वर्ड्स इसके अंदर से निकले, और फिर हमने हर सेंटेंस के कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टिंक्ट वर्ड्स के हिसाब से उसकी मैपिंग की। तो हमारे पास चूंकि 10 डिस्टिंक्ट वर्ड्स है तो 10 कॉलम्स नज़र आ रहे हैं। अगर हमारे पास टेक्स्ट बहुत ज़्यादा हो तो हमारे पास नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्ड्स बढ़ते जाते हैं। और इस तरह से हमने ये मैपिंग क्या की, हमारे पास जिस सेंटेंस में जो वर्ड अपीयर हो रहा है उसको उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी उसकी रिफ्लेक्ट की जा रही है, और जो वर्ड अपीयर नहीं हो रहा वो ज़ीरो आ रहा है। इसी तरह कॉलम्स क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जिस तरह विजडम है तो विजडम सिर्फ इस एक डॉक्यूमेंट या सेंटेंस में आ रहा है, तो विजडम सिर्फ इसी में आ रहा है। फुलिशनेस जो है वो सिर्फ इसी लास्ट सेंटेंस के अंदर आ रहा है, जबकि अगर हम देखें ऑफ सब में आ रहा है, इट सब में आ रहा है, तो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो एंट्रीज एक गिवन कॉलम में बता रही हैं कि ये लफ्ज़ कितने डिस्टिंक्ट डॉक्यूमेंट्स या सेंटेंसेस जिनको भी हम कंसिडर कर रहे हैं जिस ग्रेनुलैरिटी पे भी उनमें अपीयर हो रहा है। इस सारे जो रेड रेक्टेंगल के अंदर चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, कॉलम्स और रोज़ का एक पूरा फिनोमिना, इसको हम स्पार्स मैट्रिक्स कहते हैं। स्पार्स किस लिए कहते हैं कि इसमें बहुत सारे जीरोस होते हैं। इस वक्त तो हमारे पास सिर्फ 10 कॉलम्स की वोकेबलरी नज़र आ रही है, लेकिन जब हमारे पास हज़ारों लाखों सेंटेंसेज होते हैं तो उस सूरत में हमारी वोकेबलरी बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास अगर 2000 डिस्टिंक्ट वर्ड्स बन जाते हैं तो एक गिवन सेंटेंस के अंदर इसी तरह 5, 10 या 15 ही वर्ड्स होते हैं। तो 5, 10 या 15 वर्ड्स होने का मतलब है कि उसमें सिर्फ 10 से 15 नॉन जीरो एंट्रीज होंगी, और बाकी 2000 में से अगर 15 माइनस करें तो 1985 जीरोज। तो एक रो में जनरली उस सूरत में बहुत ज़्यादा जीरोज होते हैं। ये तो एक छोटी सी टॉय एग्जांपल है, इस वजह से हमें ज़्यादा जीरोज नहीं नज़र आ रहे, लेकिन इन प्रैक्टिस हमारे पास बहुत ज़्यादा जीरोज होते हैं हर रो के अंदर, और उन जीरोज के होने की वजह से इसे हम क्या कहते हैं कि ये स्पार्स मैट्रिक्स है, क्योंकि नंबर ऑफ वंस जो हैं वो हमारे काम की एंट्रीज हैं और जीरोज़ का मतलब है कि ये चीज़ें अपीयर हो ही नहीं रही। इस चीज़ को जिसको कि हम बैग ऑफ वर्ड्स मॉडल कह रहे हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए पाइथन ने हमें sklearn.featureextraction.text के अंदर काउंट वेक्टराइजर की एक क्लास दी है। इस काउंट वेक्टराइजर की क्लास की मदद से हम इसी रोज और कॉलम के एक सिस्टम को या मेट्रिक्स को इस्टेब्लिश करने में कामयाब होते हैं। ये काम कैसे किया जाता है, पाइथन में इसकी प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, आइए देखते हैं। तो वेक्टराइजेशन करने की तरफ जब हम आते हैं तो हम बैग ऑफ वर्ड्स मॉडल को अगर हम देखें तो ये sklearn.featureextraction.text इसके अंदर काउंट वेक्टराइजर जो है वो हमने इंपोर्ट किया। तो काउंट वेक्टराइजर का हमने ऑब्जेक्ट बना दिया cv, और cv.fit_transform_corpus.2array। आपको पता है कि ये वो मैट्रिक्स टाइप रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्लास के लिए, जब हम तो सारे क्लासिफिकेशन में और रिग्रेशन में हम यही करते रहे कि जो हमारा वेरिएबल एक्स था, इस एक्स को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में स्टोर करते थे और फिर फर्दर इसे प्रोसेस किया जाता है। तो ये जो एक्स वाला वेरिएबल है ये हमने यहाँ से गेट कर लिया। अब ये वही जो कॉर्पस हमने सारी बनाई थी, इसको टू एरे करके हमने इसकी वेक्टराइजेशन फिट ट्रांसफॉर्म इसको क्या करता है, बैग ऑफ वर्ड्स मॉडल में कन्वर्ट कर देता है। वो आगे चल के अगर मैं आपको दिखाऊं, इट लुक्स लाइक दिस। ये सारे वर्ड्स हैं, तो जितने भी डिस्टिंक्ट वर्ड्स हैं वो सारे ऊपर 0, 1, 2, 3, 4 डिफरेंट कॉलम्स में आ रहे हैं, और ये पहला कॉमेंट है जीरो वाला, 1 जो है ये दूसरा कॉमेंट है, 2 तीसरा कॉमेंट है, ये ऊपर वर्ड आ रहे हैं। जो वर्ड जिस कॉमेंट में एग्जिस्ट कर रहा होगा वो वहां पे 1 आ जाएगा, जो नहीं कर रहा होगा वहां 0 आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा, कैसे अगर हमारी ओवरऑल वोकैबुलरी 2000 वर्ड्स की बन गई तो इसके 2000 कॉलम्स हो। तो पहला क्या था, वाओ लव प्लेस, उन 2000 में से कितने वंस होंगे, पूरे 2000 में से 3 जितने लफ्ज है ना उतने नॉन जीरो होंगे। ये जो काउंट वेक्टराइजेशन या बैग ऑफ वर्ड मॉडल है वो ये करता है, और बैग ऑफ वर्ड मॉडल असल में सिर्फ ये नहीं करता बल्कि वो काउंटिंग भी करता है। अगर वो कहे लव वाओ लव प्लेस, तो वो लव के नीचे 1 नहीं बल्कि 2 लिखेगा, 0 तो नहीं ना लिखेगा क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये भी नोट करेगा कि कितनी दफा एग्जिस्ट। बात ये है कि
इसने एक 2D एरे बना दी। उस 2D एरे के जो कॉलम्स हैं वो हमारे पूरे के पूरे कॉर्पस के अंदर जितने भी रिव्यू कमेंट्स हैं उनके अंदर स्टेमिंग करने के बाद जो डिस्टिंक्ट वर्ड्स मिले हैं वो सारे वर्ड्स कॉलम्स में चले गए। अब हर एक रिव्यू को वो पकड़ता है, उस रिव्यू में जो लफ्ज जितनी दफा आया है वो अपने अप्रोप्रिएट कॉलम के नीचे उसका काउंटर लिखता है। ये सारा काम जो है इसको क्या कहते हैं, टैग ऑफ वर्ड मॉडल में कन्वर्ट। ये वाले सारे काम भी हम एक जमाने में खुद ही किया करते, लेकिन अब क्या है कि आपने काउंट वेक्टराइजर इंपोर्ट किया है क्लास और उसके अंदर अपने कॉर्पस को पास किया, उसने खुद ही सारा कुछ करके आप पकड़ा दिए कि यार ये काउंटिंग सारी चीज मैंने करके आपको। तो दिस इज हाउ इट वर्क। उम्मीद है आपको काउंट फैक्टराइजर की मदद से बैग ऑफ वर्ड्स की इम्प्लीमेंटेशन समझ आ गई होगी। इसकी फर्दर क्या डिटेल्स हैं ये हम डिस्कस करेंगे अपनी अगली वीडियोस में। अंटिल देन एंजॉय मशीन लर्निंग।